जो हम अभी तक कर चुके हैं, किसी को उसमें कोई डाउट? हमने दुख का अधिकार रिवाइज किया, कर लिया, टेस्ट भी हो गया। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा टेस्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद रहीम और अदास, उसका भी टेस्ट हो चुका है आपका। कल हम लोगों ने ग्रामर रिवाइज की थी, जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक हैं। शब्द और पंक्ति का भी आप लोगों का पहले टेस्ट हो चुका है, ठीक है। आपके कल के टेस्ट के लिए टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिसमें लिटरेचर हम लोग रिवाइज कर चुके हुए हैं, और जो ग्रामर है, ग्रामर में भी हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक रिवाइज कर चुके हैं। नहीं, आपको चैप्टर्स थॉरो आने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। हम लोग शब्द और पद भी रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। किसी को शब्द और पद में कोई डाउट? नो? एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कल। कल हम शब्द और पद भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। आज हम जो टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं वो है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं आज, जो कि आपका रिवीजन टेस्ट वन के सिलेबस में है। आपका टेस्ट कल है और आपको टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में आना है। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीबडी टू अटेम्प्ट द टेस्ट एंड टू सेंड इट। इट इज वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर एवरीबडी, ओके। नाइन्थ ए का कोई स्टूडेंट है यहाँ पर ऑनलाइन? कोई भी नहीं है, ना ऑफलाइन में है ना ऑनलाइन में है। पिछला टेस्ट नाइन्थ ए के किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिया। देयर आर फोर एंड नो वन हैज, काइंडली बी सीरियस। एग्जाम्स आर गोइंग टू बी ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन, सो बी सीरियस एवरीबडी। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। कोई मुझे बताएगा कि उपसर्ग क्या है? आप में से कोई भी, उपसर्ग क्या होते हैं? ओके, जो शब्द मूल शब्द के आगे लगते हैं वो। अब मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द अर्थ। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। एग्जाम्पल ले रही हूं, चार। ये मैं शब्द इसलिए लेती हूँ क्योंकि इसके साथ हम उपसर्ग और प्रत्यय आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। चार, चार का मतलब होता है फोर। इसके आगे मैंने एक शब्दांश लगा दिया, ये शब्दांश है, शब्द नहीं है। शब्दांश शब्द का अंश, मूल शब्द का अपना अर्थ होता है, ठीक है। जब हमने उसके आगे आ लगा दिया, चार जिसका अर्थ होता है फोर, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। आचार मतलब बिहेवियर, ठीक है। लाचार, प्रचार, नो, शिष्टाचार। इसमें उपसर्ग कौन सा है फिर? शिष्टा उपसर्ग नहीं है, ठीक है। शब्द ठीक है लेकिन उपसर्ग लगाकर जब आपने शब्द बनाना है फिर गलत है, क्योंकि शिष्टा का, शिष्टा कोई उपसर्ग नहीं, ठीक है। दुराचार, अत्याचार, ठीक।
आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि कोई शब्द दिया हुआ है, उसमें एमसीक्यू उसमें आना है ना, इस शब्द में मूल शब्द कौन सा है, नीचे चार दिए होंगे, आपको मूल शब्द चुनना है, या आपको उपसर्ग चुनना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, या आपको प्रत्यय चुनना है कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, या जैसे लिख दिया कि आवा, प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द उचित है, ये देखो आवा प्रत्यय लगाकर कौन सा उचित शब्द है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल पनिका ने दे दी, आवा जाही। अब मुझे पता नहीं ये स्पेलिंग ठीक है हिंदी में या गलत है, क्योंकि आवाजाही पंजाबी का शब्द है, ठीक है। ओके, दूसरा शब्द कौन बताएगा? हाँ, आपने क्या बोला, आपने उपसर्ग के हिसाब से बता दिया और पंजाबी बता दी, जो कि दोनों चीजें गलत हो गई। दूसरा दिखावा, ओके ओके ठीक है, बुलावा, पछतावा, ठीक है, ये सारे वो मैंने लिख दिए। इस तरह से आपको दो एग्जाम्पल्स और दी जाएंगी, आपने चारों एग्जाम्पल्स में से राइट ढूंढना है कि कौन सा वाला ठीक है, ठीक है, कौन सा शब्द ठीक है, दिखावा, क्लियर, ये ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ग्रामर का, आपको क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवाए गए हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए उपसर्ग क्या है, आपको पता होना चाहिए प्रत्यय कहाँ है, आपको पता होना चाहिए मूल शब्द क्या है। जोश में होश नहीं खोना बनेगा, ठीक है, ध्यान से सोच समझ करना है। एमसीक्यूज में यही प्रॉब्लम होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एमसीक्यूज भी इजी टास्क नहीं है, एमसीक्यूज पेपर आना है, ठीक है, ऐसा नहीं। अगर आपको गद्यांश पद्यांश भी एमसीक्यूज में आ रहे हैं, लिटरेचर भी एमसीक्यूज में आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर ऊपर एक पैराग्राफ दिया है तो उसमें से झट से ढूंढा और कर दिया, उसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक से पढ़कर उसके बारे में, दिख दिख का अपना अर्थ होता है, ठीक है, जैसे बुलावा, बुला बुला प्लस आवा संधि बन जाती है, अगर आप बुला लिखते हैं शब्द बनेगा, संधि लगाकर बन जाएगा। पछतावा, पछता प्लस आवा, ठीक है, इस तरह से, राइट। आपको मैंने एक पीडीएफ भेजा था जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय भेजे थे, एक बार मैं डिस्कस करवा रही हूँ, वही उपसर्ग और प्रत्यय डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जब भी आपको आ जाए कि मूल शब्द अलग करो या प्रत्यय अलग करो या देखो कि कौन सा सही है, तो आप हमेशा उसका मूल शब्द निकाल लेंगे सबसे पहले। मूल शब्द का अपना अर्थ होगा, मूल शब्द निकालकर उसके बाद आप उसमें से उपसर्ग और प्रत्यय चुनेंगे, ठीक है। उपसर्ग, अ उपसर्ग से कैसे शब्द बन सकते हैं, अचार और अज्ञान, अधर्म, और बताओ, अहिंसा, अमर, अयोग्य, गुड। अर्षप्रीत कह रही है अत्याचार, वेट वेट, आप इसमें से मुझे मूल शब्द लग करके बताइए अर्षप्रीत, चार, इसमें मूल शब्द है चार, अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है ये सारा उपसर्ग है, अत्या इस उपसर्ग, अति आएगा, तो फिर मूल शब्द क्या है,
आचार, ठीक है, अति और आचार, यहां संधि होती है बेटे, याद है संधि पड़ी हुई है इसमें, सेवन एट्थ में संधि पड़ी थी, रिमेम्बर, अति प्लस आचार। त तो से पहले अगर ई है, उधर आ है, तो ये अक्षर आधा हो जाएगा, इसका या बन जाएगा, हमने संधि पढ़ी थी, अत्याचार। पीछे पढ़े हुए टॉपिक्स छोड़ने नहीं, ग्रामर सारी लिंक्ड होती है, ठीक है, उसमें भी मैंने बताया था शब्द निर्माण है, ये भी शब्द निर्माण है, ठीक है, क्लियर। अयोग्य, अधर्म, अकल्पनीय, कैसे बनेगा? अयोध्या बताओ मुझे, अयोध्या, इसमें मूल शब्द मुझे अलग करके बताओ, आप मुझे मूल शब्द अलग करो। आपके मन में ये प्रश्न आया कि ये शब्द हो सकता है, कोई कारण होगा तभी मन में प्रश्न आया ना, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, योध्या कोई शब्द नहीं है, योद्धा शब्द होता है, योद्धा कोई शब्द नहीं है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब भी आपने उन्हें अलग करना है, पहचानना है, तो मूल शब्द अलग करके देखना, मूल शब्द का अपना कोई मीनिंग होगा, वो मीनिंगलेस वर्ड नहीं होगा। आकाश, आकाश तो कोई शब्द ही नहीं, आ उपसर्ग है तो आप आकाश लिख सकते हैं, कि काश का मतलब होता है, ठीक है ना, आपको तो मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करना है, और मूल शब्द का कोई मतलब निकालना चाहिए, काश का अपना मतलब होता है, अगर आ उपसर्ग है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसका अपना अर्थ होना चाहिए मूल शब्द का, राइट, ओके। नेक्स्ट इज अन, अनजान, अनदेखा, अनेक, अनेक कैसे बनेगा? एक मिनट, अनुकूल, अनेक, अनूठा, इन सब में से मुझे मूल शब्द अलग अलग करके बताओ, अच्छा कूल, एक मिनट, इसमें से कूल हो गया तो ये ऊ कहाँ गया, ऊ कहाँ जाएगा, अनूठा, अनूठा का क्या होगा, ऊठा, ऊठा का मुझे कोई मतलब नहीं पता क्या होता है, कोई मतलब नहीं है इसका, अनेक, नेक, अन्न के साथ बनाओ ना, एक हो जाएगा, कैसे, एक संधि के हिसाब से मुझे बता दो, अन प्लस एक अनेक, अ प्लस ई से ए नहीं बनता होता, आइए अ प्लस ई से ए नहीं बनता गुण संधि में, ये गलत है, अनेक, हाँ नहीं बन सकता, कैसे बनेगा, अनजान, ठीक है, अनावश्यक, अनुपस्थित, ठीक है, जैसे आप लोगों ने अनुकूल लगाया था, ठीक है, अनुकूल, अनु ऊ नहीं मिल रहा था हमें कहीं भी, अब अगर हम लिखते हैं अनुपस्थित तो इसमें हाँ अन अलग हो गया और उपस्थित अलग हो गया, ठीक है, क्लियर, श्योर, नेक्स्ट, अप, अपमान, अपव्यय, अपशब्द,
अपराध, अपराध में मुझे राध का मतलब बताओ क्या है। बहुत सारे शब्द ऐसे लिखे हैं, लिखा है, पर राध का क्या मतलब है? हम अगर उसमें से अलग अलग करें तो क्या कह रही हैं? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से मुझे कौन बताएगा? आप उपसर्ग लगाकर शब्द, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मुझे समझ ही नहीं आया। हमें उसका अर्थ ढूंढना पड़ेगा, उसका अर्थ ढूंढो। मुझे नहीं पता है, उसका अर्थ ढूंढो। अर्थ ढूंढना लीजा, अर्थ अरमान। ढूंढना। ओके, हाँ जी बेटा, आपको उपसर्ग अपमान। क्या कह रहे हैं? अपमान। अपमान। यस, अपमान, अपयश, ठीक है, अपव्यय, अपशब्द, अपहरण, अपकर्ष, अपकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अव, अवकाश, अवगुण, अवसाद, अवलंब, अवनति, अवशेष, अवतार, अवगुण, ठीक है। इस तरह से उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना। नेक्स्ट इज उप, उपकार, उपयुक्त, उपकरण, उपग्रह, उपयोग, उपमान, उपवन, ठीक है। उपकर्ष नहीं, उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष और अपकर्ष, ठीक है। उत, अब देखो मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी, जैसे यहां दिया है उत, इसका मतलब है आधा, तो उत्तम, क्या उत्पन्न, उत्कर्ष, उत्तर, हाँ उत्तर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, उत्तर, और उत्पादक, उत्थान, उत्पत्ति, उत्पन्न, उत्कर्ष, उच्चारण। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आपको देख करके लगेगा कि इनका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, ठीक है, इनका कोई मीनिंग ही नहीं है, लेकिन वो शब्द संधि से भी बनते हैं। जैसे अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, उसमें अति उपसर्ग और आवश्यक मूल शब्द, ठीक है। इसलिए हमें ध्यान से इन शब्दों को पढ़ना है और समझना है। क्लियर? एनी डाउट? नो? आगे ऐसे दिए हैं, अति, अधि, अनु, अभि, आ, दोस, अनु, अनु के साथ बनेंगे, अनुकूल, अनुकरण, अनुचर, अनुज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज प्रत्यय। प्रत्यय होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं, जैसे अ, अप्रत्यय, उपसर्ग हमने किया, अब अप्रत्यय अगर हम करते हैं, खेल, चाल, गान, मार, जिनके पीछे अ सुनाई दे, मान, कोई भी शब्द जिसके पीछे मात्रा नहीं लगी हो और अ सुनाई दे रहा है। आपको याद है ना, जब मैंने संधि करवाई थी तो मैंने बताया था कि, याद आया, जिसके साथ हलंत लगा है और पीछे अ है तो वो पूरा क बनेगा, अ की साउंड आएगी पीछे, ठीक है। अंत, अंत प्रत्यय लगाकर,
अंत, बे जो है वो उपसर्ग है, मूल शब्द नहीं है इसलिए बे अंत नहीं बनेगा। रटंत, तोता रटंत, रट अंत, रटंत कैसे, बे का बे उपसर्ग है मूल शब्द नहीं है। जयंत, वेरी गुड, जयंत। अनंत, अनंत, अन्न का क्या अर्थ है, अन्न वो होता है अन्न, ये वाला अन्न नहीं होता, खाने वाला ये अन्न होता है। हाँ हो सकता है हलंत, हो सकता है पढ़ंत, हलंत पढ़ंत हो सकता है, ठीक है। आ, आ प्रत्यय, ऑनलाइन कौन बताएगा, आ प्रत्यय लगाकर कौन से शब्द बनेंगे, आ प्रत्यय, आ प्रत्यय, नो वन, ईवा ने अभी बोला आज्ञा, ईवा हमने उपसर्ग नहीं लगाना प्रत्यय लगाना है, और अगर आप इसको प्रत्यय ये मान रहे हो तो इसका क्या मतलब है, तो मतलब नहीं है। दिखा, सुना, बता, मेला, घेरा, झगड़ा, बुला, सुना, सुखा,